नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल लगातार भारत विरोधी कार्रवाई कर रहा है। नेपाली पुलिस ने एक बार फिर किशनगंज बॉर्डर के पास एक भारतीय युवक को गोली मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज पूर्णिया के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। इससे पहले भी नेपाल ऐसी हरकत कर चुका है। इससे पहले नेपाली पुलिस ने सीतामढ़ी में भी 4 लोगों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। नेपाल नहीं आ रहा अपनी आदतों से बाज। इंडो नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने मारी भारतीय युवक को गोली। मवेशी ढूंढने गया था युवक। नेपाल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के उस कावे पर आए दिन भारत सीमा पर फायरिंग कर रहा है। भारत नेपाल के बीच चल रही टेंशन का असर अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों पर भी पड़ने लगा है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले में टेढ़ागाछ प्रखंड के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज पूर्णिया के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह और उनके साथी अंकित कुमार व गुलशन कुमार लगभग 7 बजे शाम अपनी मवेशी ढूंढने भारत नेपाल सीमा स्थित माफी टोला व मुनाफ टोला गए थे, जहां नेपाल सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस इन युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जितेंद्र कुमार सिंह को गोली लग गई। फायरिंग में घायल हुए जितेंद्र कुमार सिंह को उनके साथियों और ग्रामीणों ने उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए और इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व SSB की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर तनाव का माहौल देखा गया। SSB 12वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट बीरेंद्र चौधरी ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि नेपाल पुलिस द्वारा युवकों पर 4 फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक जितेंद्र कुमार सिंह के कंधे में गोली लगी है, जिसका इलाज पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेढ़ागाछ में की गई, फिर बाद में पूर्णिया रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि फायरिंग किस कारण हुई। इस मामले में अभी जांच चल रही है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब नेपाली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक पर फायरिंग की गई हो। इससे पहले भी ऐसी घटना सीतामढ़ी में हुई थी, जहां नेपाली पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW24 न्यूज़। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।